भले ही आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन जो वर्ल्ड कप है जिसको इंडिया ने होस्ट किया, आईसीसी ने ये वर्ल्ड कप कराया और इंडिया ने होस्ट किया, जिसका जबरदस्त फायदा हमारे इंडिया को हुआ है। वारे न्यारे हो गया भाई साहब हमारी इकोनॉमी का। तकरीबन 13,500 करोड़ रुपए का इजाफा भारत सरकार को हुआ है, मतलब कि इतना पैसा मार्केट में आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया फाइनल में मैच हार गई तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो निराश होंगे या फिर कहें कि उनको कुछ भी कमाई नहीं हुई होगी, पैसा तो आया है। जो भी टीम जीती है यानी कि ऑस्ट्रेलिया को इनाम के रूप में 33 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वहीं इंडिया को मिले हैं 16.5 करोड़ रुपए। और अलग अलग मैच की प्राइस अलग अलग है। जैसे पहले जो मैच थे उसमें यदि कोई टीम जीतती है तो उसको तकरीबन 33 लाख रुपए दिए गए हैं। लोकल मैच में यदि कोई टीम जीतती है तो उसको एक मैच जीतने पर 33 लाख रुपए दिए गए, मतलब कि इंडिया ने कितने मैच जीते, 10 मैच जीते तो उसकी 3 करोड़ रुपए की कमाई वो हो गई। सेमीफाइनल और फाइनल का जो मैच है, मतलब नॉकआउट जो मैचेस होते हैं, उसमें एक मैच के मिलते हैं तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के पास कुल मिलाकर जो कमाई हुई है वो 20 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। खिलाड़ियों की पेमेंट तो जो सैलरी है बीसीसीआई देगी ही, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी नहीं मिला, इनको मिला। बात करें जो हमारी विनर टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो उसको 33 करोड़ रुपए तो प्राइज मनी मिली है, उसके बाद जितने भी मैचेस उन्होंने जीते हैं वो अमाउंट उनको मिलेगा। तो कुल मिला के 40 करोड़ रुपए मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को और 20 करोड़ रुपए मिले हैं इंडिया को। जो मीडिया राइट्स हैं, अलग अलग तरह से कमाई होती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है मीडिया राइट्स से, जैसे इस बार जो डिज्नी हॉटस्टार चला रहा है इसको पूरा का पूरा, और ये 23 से लेकर 2027 तक ये पूरा का पूरा उनका टेंडर हुआ है, तो जितने भी मैचेस होंगे इंडिया के या इंडिया में वो उनके मीडिया राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के पास है। इस बार फ्री दिखाया था, तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए में ये राइट्स डिज्नी हॉटस्टार को दिए गए हैं, जो पैसा पूरा का पूरा आईसीसी के पास आया है। अब जाहिर है कि होस्ट यदि इंडिया कर रहा है तो इंडिया को भी उसमें कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर होगा, 40% शेयर इसमें इंडिया का रहा है। अब अलग अलग कमाई की हम बात करें, अब जैसे मैच हो रहा है, दूसरी जो कमाई है वो है टिकटिंग का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 48 मैच हुए हैं, जिसमें से टिकटों का यदि हम हिसाब लगाएं तो 700 करोड़ रुपए टिकट से कमाए गए हैं। हर एक जो टिकट है उसका अपना अपना प्राइस होता है, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी टिकट की प्राइस होती है। सारे के सारे मैचेस बिक गए। अभी जो फाइनल हुआ था उसमें तकरीबन 1,30,000 जो दर्शक थे वो मैदान पर मौजूद थे, तो आप अलग अलग मैचेस के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मर्चेंटाइज की बात करें, आईसीसी की जो साइट्स है उससे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर खरीद सकते हैं, क्रिकेट किट हो गई, बॉल्स हो गई, ड्रेस हो गई, इस तरह से जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसकी कमाई भी आईसीसी को होती है। ब्रांड एंडोर्समेंट की हम बात करें तो वो कमाई तो जो भी चला रहा है, जैसे डिज्नी हॉट स्टार पर जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जिनकी एड आ रही है, उसकी कमाई हॉट स्टार को होती है। मैदान में बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट हैं, आपने देखा होगा इस बार जो कंपनीज थी, कोका कोला हो गई, आरामको हो गई, ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी है ये सऊदी अरेबिया की, और ड्रीम इलेवन हो गई वगैरह वगैरह, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन, ये पैसा देती हैं बीसीसीआई को जिस भी मैदान में ये मैचेस हो रहे हैं, ये एक कमाई का ज़रिया है। मीडिया राइट्स हो गए, मर्चेंटाइज हो गई, देन सीट टिकट के पैसे हो गए, देन ग्राउंड के अंदर जितनी भी एडवर्टीजमेंट है, कैप पर एक कंपनी का नाम है, यहाँ पर साइड में शोल्डर पर एक कंपनी का नाम है, बैट पर कंपनी का नाम है, MRF है, जो बाउंड्री है बनी हुई है उस पर आपने देखा होगा इस बार आरामको की ऐड लगी थी, तो आरामको ने पे किया होगा, इस तरह से कमाई होती है। ये 4 तरीके हो गए कमाई के, और भी अलग अलग कमाई होती है। अब हम बात करें कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, हर एक मैच के लिए अलग अलग दर्शक देखने के लिए जाते हैं। इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, एक दर्शक, एक ऑडियंस यदि दूसरे देश से अपने देश में मैच देखने के लिए आती है तो एक इंसान पर 63,000 रुपये खर्च होता है, तो तकरीबन 5 लाख विदेशी दर्शकों ने इस मैच को देखा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
लोकल जो ऑडियंस है जिस भी शहर में मैच होगा, यदि एक इंसान जाता है तो उसके ऊपर 8,000 रुपये खर्चा बैठता है। जो इंटरसिटी है, मीन्स हमारे भोपाल से यदि कोई अहमदाबाद मैच देखने के लिए जा रहा है, इंटरसिटी जो दर्शक है उसने खर्च किया 32,000 रुपये। अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 25 लाख दर्शकों ने वहाँ पर मैच को देखा है, क्रिकेट देखा है स्टेडियम में जाके। तो इस तरह से जो खर्चा है वो 25 लाख दर्शकों का हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पैसा इसमें आया होगा। यदि एक इंसान मैच देखने के लिए जा रहा है तो कितने सारे लोगों को रोज़गार मिला, कितने सारे लोगों के जेब में पैसा आया, ये आप फ़ायदा हम देख सकते हैं। अब हम बात करें इस पे खर्चा की, तो BCCI और ICC ने मिलकर इसमें खर्च किया, मतलब कि 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए BCCI ने। एक मैच के लिए एक स्टेडियम में खर्च हुए हैं 50 करोड़, उसकी मरम्मत के लिए वहाँ पर व्यवस्था बनवाने में 50 करोड़ रुपए खर्च किए, तो कुल मिला के 10 स्टेडियम है जिसमें 500 करोड़ रुपए बैठता है। अलग अलग जो खर्चे हैं खिलाड़ियों के, एम्पायर्स के सारे कैमरा, इस तरह से जो खर्चा हुआ है वो 2,000 करोड़ रुपए बैठता है। दोस्तों, टिकटों की कमाई कितनी हुई होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डेटा हमारे पास आया है उससे हम बता सकते हैं कि जो विदेशी दर्शक इंडिया में आया उससे लगभग 5,725 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इतना पैसा विदेशी ऑडियंस ने यहाँ पर आकर किया। जो लोकल ऑडियंस है उसने टिकटों में खर्च किया है 800 करोड़ रुपए, मतलब कि जो इंसान जहाँ पर देख रहा है और उसी सिटी का है तो सारे के सारे ऑडियंस का 800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इंटर सिटी जो ऑडियंस है उनका सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, उनका खर्च हुआ है 4,000, सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है विदेशी जो नागरिक हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे उनका। जो इंटरसिटी ऑडियंस है उसका खर्च हुआ है 4,000 करोड़ रुपए, मतलब कि एक शहर से इंसान दूसरे शहर में मैच देखने के लिए जा रहा है, तो इस तरह से सभी जो हम दर्शकों का ऐसे दर्शकों का हिसाब लगाएं तो 4,000 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए हैं और इतना रेवेन्यू हमारे पास आया है, इतना पैसा मार्केट में आया है। तो भाई GDP की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसे आए नहीं होंगे, अब होटल चल रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज चल रही है, चाहे आपकी फूड इंडस्ट्रीज चल रही है, तो सब में यदि पैसा खर्च हुआ है, सब की बिक्री हुई है, तो ये पैसा सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। जो भी कंपनी ब्रॉडकास्ट कर रही है, मतलब कि डिज्नी हॉटस्टार जिसके पास ये पूरे के पूरे मीडिया राइट्स हैं, उसकी भी ज़बरदस्त तरीके से कमाई हुई है। कैसे कमाई होती है मैं आपको बता देता हूँ। यदि लोकल कोई मैच है तो तकरीबन 10 सेकेंड के लिए यदि ऐड चलती है तो एक ऐड का 10 लाख रुपये वो कंपनी खर्च करती है, और वो पैसा किसके खाते में आता है? डिज्नी हॉटस्टार के पास। बड़े मैच हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो या फिर सेमीफाइनल हो या फाइनल मैच हो, इसमें 10 सेकंड की एड का 30 से 35 लाख रुपए उनको मिलता है। ये कमाई आप देख सकते हैं, ये एड की कमाई होती है। किसको? जो ब्रॉडकास्ट कर रही है उसको। टिकटों की कमाई हो या मैदान में जो एडवर्टीजमेंट लगे हैं, एडवर्टीजमेंट की कमाई हो रही है, वो जाती है किसके पास? BCCI के पास। तो दोस्तों, देखा आपने जो इंडिया के लिए क्रिकेट है वो इकोनॉमिकल कितना फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त तरीके से इंडिया में पैसा आता है जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है। और आपको बता दूं, जो जितने भी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, हमारा जो BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो इसकी जो कमाई है वो ज़बरदस्त है। इसका एक, इसकी वजनदारी भी बड़ी तगड़ी है। जो मैच यहाँ पर हुए उसमें 40% शेयर तो किया ही था इसने, मतलब कि 40% जो कमाई हुई है वो ICC की जितनी भी कमाई है उसमें 40% की साझेदारी BCCI की थी। मतलब खर्चा भी आपने इतना करना है और जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपको इतना मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ चर्चा है जो हमने आज कमाई के ऊपर रखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।